एडवेंचर्स, इसी टॉपिक का जो हमारा नेक्स्ट हिस्सा है वो है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग मैच सिस्टम। ठीक है, तो हम देखेंगे कि टाइम पीरियड किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक स्प्रिंग सिस्टम का, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे और टाइम किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अब हम इसको ड्राइव करके देखते हैं मैथमेटिकली। ओके, तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन अभी हमने इस टॉपिक में जो हमने निकाली, तो ए बराबर हो रहा था हमारे पास नेगेटिव, के हमारे पास कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक्स था जो कि डिस्प्लेसमेंट था, डिवाइडेड बाय एम मास ऑफ स्प्रिंग। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होती है किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी की, वो हम एक और फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और वो है ए बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। ठीक है, ये ड्राइव करके नहीं बताया हुआ उन्होंने, तो बस हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। और ये जो ओमेगा होता है ना बच्चों, ये ओमेगा बराबर होता है हमारे पास 2πf के। ठीक हो गया, और एफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एफ किसके बराबर है, F बराबर है हमारे पास 1/T के। ठीक हो गया, 1/T के। तो अगर मैं इस F के अंदर 1/T पुट कर दूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं F की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं इसके अंदर, तो मेरे पास ये बराबर आ जाएगा 2π, और नीचे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। ओके, तो ये किसके बराबर आ गया, ये सब आ गया हमारे पास ओमेगा के बराबर। तो अगर मैं इसको ओमेगा की इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं तो एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा मेरे पास 2π × T का होल स्क्वायर, ये नेगेटिव रिस्टोरिंग फोर्स को बताते हैं, बाहर ही आएगा नेगेटिव, और एक्स मेरे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरे पास फाइनल एक और इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को दोनों को करेंगे कंपेयर, और देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, टी, मुझे क्या चाहिए, टी के, टी का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, हम टी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एक स्प्रिंग के साथ मैस लगाओ। ठीक है, अच्छा वैसे अगर यहाँ पे मैं एक वजनी सा मैस रख दूं इस जगह पे, और एक में मैं हल्का सा मैस रख दूं, तो कॉमन सेंस है कि जो हल्का वाला होगा वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसमें। ठीक, वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा एज कम्पेयर टू जो भारी वाला होगा। भारी वाले को अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो वो आहिस्ता से पीछे आएगा और फिर आहिस्ता से आगे जाएगा, तो वो टाइम भी क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर मैंने मैस को बढ़ाया तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी। ओके, अच्छा हम इसको आगे लेके चलते हैं, इसको और इस दोनों को हम क्या करेंगे, अब कंपेयर कर लेते हैं इस इक्वेशन को, इसको 1 और 2 को हम कर लेते हैं कंपेयर। तो अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं तो इस साइड पे मेरे पास आ जाएगा माइनस के कांस्टेंट जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और एम मास ऑफ स्प्रिंग है इक्वल इस चीज के। ठीक है, 2π। अच्छा अगर इसको मैं खोल दूँ, चलो नेक्स्ट में यहीं पर खोल लेता हूँ, स्क्वेयर लगा हुआ है, बाहर माइनस भी है, डिवाइडेड बाय टी है, और यहाँ पे क्या बढ़ा मेरे पास एक्स। ठीक हो गया, अच्छा हमने क्या फाइंड करना है, हमने आपने बिल्कुल एक खोपड़ी में रखना है टी। ठीक है, टी पे फोकस करना है, टी निकालना है हमने, टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम किस तरह डिपेंड, फ्रीक्वेंसी खुद ही निकल आएगा, क्योंकि टाइम का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है। अगर टाइम का फार्मूला हम निकाल लेते फ्रीक्वेंसी खुद ही निकल आएगा। ओके, अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं इसको खोल लूँ फार्मूला स्क्वेयर को, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 4 − 4π² × t² और ये आ गया मेरे पास x। ठीक हो गया, ये x यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड होगा तो x x आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, x खत्म हो गया, हमने क्या निकालना है, t² यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, वहां जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे t² आ जाएगा। ठीक है, और जब ये t² के साथ, अच्छा माइनस माइनस भी काट दो, ठीक है, जब t² के साथ देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो एक चीज जब मल्टीप्लाई होती है तो दूसरी जगह जाके वो क्या हो जाती है, डिवाइड पे चली जाती है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 4π². ओके, यहाँ तक बात आ गई समझ, कुछ मैं छोड़ तो नहीं रहा, और हाँ ये चीज यहाँ पे डिवाइड हो रही है, नीचे m डिवाइड हो रहा है, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, लेकिन अभी भी यहाँ पे t² है, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे जस्ट t चाहिए, तो हमें स्क्वायर को क्या खत्म करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट के जरिए हम इसको क्या कर देंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे यहाँ पर। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है, 1/2, तो ये 2 उसके साथ क्या हो जाएगा, 1/2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस जगह पे, तो ये जो पाई है, ये जो पाई है हमारे पास, ठीक है, ये भी कट जाएगा, ये पाई का स्क्वायर भी इसके साथ कट जाएगा, और 4 का जो अंडर रूट होता है वो 2 होता है, वो भी इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, टी बराबर आ जाएगा मेरे पास 2π खुल के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा m डिवाइडेड बाय k।
तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब अगर इसको और से हम देखें, यहां पर मैं इसको रेस कर लूं, इसको अगर हम गौर से देखें यहाँ पर, तो जो बात मैंने शुरू में कही थी 2π कांस्टेंट वैल्यू पे टाइम इफेक्ट नहीं कर रहा, बचा क्या? मैथ बचा। तो टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? मैथ पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, फिलहाल अगर मैं इसको यहाँ नहीं लिख रहा समझाने के लिए, ठीक है, पूरी जो इक्वेशन है वो ये, हम टाइम पीरियड ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन जस्ट समझाने के लिए, के भी कांस्टेंट है, निगलेक्ट करो, ये चीज भी कांस्टेंट है, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे देखो यहाँ पे एम रह रहा है, ठीक है। तो बताना ये चाह रहा हूं, और अंडर रूट भी है इस पे, बताना ये चाह रहा हूं कि एम पे मैथ पे डिपेंड करेगा कि उसका टाइम ज्यादा होगा या कम होगा। अगर मैं एक हैवी मैथ ले लूंगा एक स्प्रिंग के साथ, तो उसको टाइम लगेगा यहां से यहां तक आते हुए, फिर यहां से वापस वहां जाते हुए, उसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं एक हल्का स्प्रिंग ले लेता हूं, तो वो एक ही सेकेंड में जो है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, जल्दी जल्दी क्या करेगा, टू एंड फ्रो मूव कर लेगा, ठीक है। तो टाइम किस पे डिपेंड करता है? स्प्रिंग जब हम मैथ को स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं, तो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा होता है? मैथ पे, क्लियर। अब इसी फॉर्मूले से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं। हमें पता है टाइम का रेसिप्रोकल क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या है, टाइम है, ठीक है। दोनों एक दूसरे क्या है, उलट है। तो सिंपली हमने ऑलरेडी टी निकाल चुके, ये टी, तो अगर मैंने फ्रीक्वेंसी की लेनी हो ना, निकालनी हो वैल्यू, तो मैं यहाँ एफ लिखूंगा इक्वल वन, और ये टी जो निकाला है सबका सब भी उठा के यहाँ डाल दो, तो मेरे पास आ जाएगा 2π अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई फाइनल, और ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। तो ये हमारे पास फाइनल, हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए हम ये वाली यूज करेंगे, ओके, ठीक हो गया। और टाइम के लिए हम ये करेंगे, जब भी हम एक स्प्रिंग को मैच के साथ अटैच करेंगे, तो दैट इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। एग्जाम्पल रहती है नेक्स्ट लेक्चर में, एक एग्जांपल है हम वो करेंगे, फिर उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि पेंडुलम पे हम जाएंगे, इसकी नेक्स्ट एग्जांपल पे पेंडुलम पे जाएंगे। तो फुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा बैक बेंचर्स, ये वीडियो खास आप लोगों के लिए थी, तो लाइक करना ना भूलिएगा, #peaceout।